गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज की वीडियो है हमारी वीडियो नंबर वन। अब वीडियो नंबर वन कैसे, बहुत से लोग ये सोच रहे थे सर ने तो वीडियो नंबर 14 वीडियो नंबर 15 तक बना ली थी, वीडियो नंबर वन में हम कैसे वापस आ गए। बिकॉज इन वीडियो नंबर वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11। आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 11 की हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो साइड बाय साइड हमारी क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स भी चलती रहेगी और साथ ही में क्लास 12 की हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी चलती रहेगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स से पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है। क्यों सिस्टम है, इकोनॉमी को क्यों सिस्टम बोला गया है, इकोनॉमी कहां से आई है। अगर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी ना होती तो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी हो सकती थी। अब ये रिसोर्स और टेक्नोलॉजी हमें कहाँ से मिलती है, हमारी सोसाइटी से, ठीक है। तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या है, अपने आप में एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल द मींस टू वर्क, यानी कि काम करने का साधन बताता है एंड अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग मींस रोटी कपड़ा मकान, यानी कि काम करने के बदले में जो हमें पैसे मिल रहे हैं उससे हम अपनी लाइफ कैसे चला सकते हैं उसे हम कहेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी को हम एक चीज और बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस इन एन एरिया। एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लो ये है एरिया ए, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शंस को हम अगर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी इकोनॉमी, ठीक। अब इकोनॉमी जो होता है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, नंबर वन इज अवर ग्लोबल इकोनॉमी एंड नंबर टू इज अवर इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, ऑल द ट्रांजेक्शंस इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबल इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मीन्स ऑल द ट्रांजेक्शंस इन इंडिया, यानी कि सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो हो जाएगा हमारा इंडियन इकोनॉमी। हम लोग बीच बीच में सुनते आते हैं इंडियन इकोनॉमी ऐसी है, इंडियन इकोनॉमी वैसी। तो इंडियन इकोनॉमी है क्या, हमारे इंडिया में, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, ट्रांजेक्शंस शुड बी रिलेटेड टू मनी, ठीक, हमारे इंडिया में जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उसको हम कहेंगे इंडियन इकोनॉमी। अब जो हमारी इकोनॉमी है इसके थ्री वाइटल प्रोसेस होते हैं, देयर आर थ्री वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। नंबर वन इज प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर प्रोडक्शन की, हम लोग बोलते हैं कि यूएसए की है ना, यूएसए की इकोनॉमी सबसे ऊपर है या और कोई कंट्री की इकोनॉमी सबसे ऊपर है, क्यों है, क्योंकि वहां का जो प्रोडक्शन है, वहां का जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो अपने इंडिया से ज्यादा है, ठीक है। नंबर टू इज कंजम्पशन, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कंज्यूम करना, वो हो गया कंजम्पशन। नंबर थ्री इज आवर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का हम और क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट मीन्स कि हमको अपने इकोनॉमी में, ठीक है, हमको अपने इकोनॉमी में पैसे कहाँ पे और कैसे लगाने हैं, मीन्स कि हमें कहीं पे अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज क्या होता है हमारी, ये सब चीज होगा हमारा इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स कि पैसों से ही तो हमारे कैपिटल बनते हैं, तो कैपिटल को फॉर्म करना ही क्या होता है हमारा, वही होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। सो ये पढ़ लिया हमने अपना पहला टॉपिक इकोनॉमी। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड टॉपिक। नाउ
जो हमारा इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है वो क्या है, स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी हम लोग सुनते हैं आते हैं, स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का कमी होना। बट इन द टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स स्कैर्सिटी क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड, दैट मीन्स कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। क्या है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कैर्सिटी। अभी अपने इंडिया में क्या चल रहा है, अभी अपने इंडिया में चल रहा है लॉकडाउन, ठीक है। अब लॉकडाउन में दो चीज की सबसे ज्यादा मांग थी, नंबर वन इज हैंड सैनिटाइजर एंड नंबर टू इज क्या, फेस मास्क। क्या था, फेस मास्क की भी डिमांड ज्यादा थी, सैनिटाइजर की भी डिमांड ज्यादा थी, लेकिन क्या उस हिसाब से उसकी सप्लाई हो पा रही थी, उस हिसाब से क्या उसको सप्लाई हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी। जब नहीं हो पा रही थी तो दैट इज कॉल्ड स्कैर्सिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्कैर्सिटी, व्हेन डिमांड विल बी मोर देन सप्लाई और सप्लाई विल बी लेस देन डिमांड, देन इट विल रेज टू स्कैर्सिटी। दैट मीन जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी, देन दैट सिचुएशन इज नोन एज स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी सबको आ गया समझ में, ठीक। नाउ आज का हमारा थर्ड टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का नहीं, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है, मान लो आज मेरा बर्थडे है, ठीक है, आज मेरा बर्थडे है, मेरे घर वालों ने मुझको बर्थडे में 2000 रुपए दिए और कहें कि जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लो, ठीक है। अब मेरा मन है कि 2000 में, अब मेरा मन क्या है कि उन 2000 में मैं अपनी बर्थडे की पार्टी दे दूं, ठीक है, या मैं अपने लिए एक ड्रेस परचेज कर लूं, ठीक है, या फिर ये 2000 रुपए मैं कहीं डोनेट कर दूं, ठीक है, या फिर मैं पार्टी कर लूं या ड्रेस कर लूं, अपने लिए ड्रेस परचेज कर लूं या 2000 रुपए कहीं पे डोनेट कर दूं, या फिर 2000 रुपए अपने कोई फ्रेंड को दे दूं, या 2000 रुपए से मैं अपने लिए कोई भी एक बुक परचेज कर लूं। रुपए कितने हैं, 2000 है, ठीक है, और हमारे पास खर्चे कितने हैं, माइंड नहीं से तो पा रहा कि पार्टी करनी है कि ड्रेस परचेज करनी है कि 2000 रुपए कहीं पे डोनेट करने हैं कि कोई फ्रेंड को दे दूं या अपने लिए बुक परचेज कर लूं। ये क्या हमारे पास, ये है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि जब हम ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, हम लोग के पास जब रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, बट हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड होंगी। व्हेन रिसोर्सेज विल बी लिमिटेड एंड अवर वॉन्ट्स विल बी अनलिमिटेड, देन इट विल रेज टू द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक। तो सेम वही चीज है, इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स, यानी कि जो हमें हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। Having alternative uses, ये जो क्या है हमारे, ये सब है हमारे alternative uses, यानी कि when we have limited resources and unlimited wants, then it will raise to the problem of economic problem. अब देखो, economic problem के 3 basic reasons होते हैं। Number one is scarcity of resources, जब resources की कमी हो हमारे पास, अगर यहाँ पे मेरे पास 2000 के बदले 2 लाख रुपए होते, 2000 के बदले अगर मेरे पास 1 लाख या 2 लाख रुपए होते, देन मैं पार्टी भी कर सकता था, ड्रेस भी परचेज करता था, 2 लाख में से कुछ रुपए मैं डोनेट भी कर सकता था, फ्रेंड को भी कुछ दे सकता था और अपने लिए बुक भी परचेज कर सकता था। तो ये हो गया हमारा स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन्स की रिसोर्सेज की कमी होना। नेक्स्ट है अनलिमिटेड बॉन्ड्स। अनलिमिटेड बॉन्ड्स हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि बॉन्ड्स हमारे क्या है, अनलिमिटेड है, जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बट हमारी इच्छाएं कितनी है, अनलिमिटेड है।
और थर्ड हो गया हमारा अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूज मीन्स हमको यहाँ से कहीं जाना है, हमको यहाँ से मान लो लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, ठीक है, मेरे पास बाइक भी है कार भी है, बाइक में भी पेट्रोल का यूज होना है और कार में भी पेट्रोल का यूज होना है, ठीक है। अब अगर हम बाइक से नहीं जाते हैं तो हम कार से जाएंगे, कार से नहीं जाएंगे तो बाइक से जाएंगे, अंतर कितना आएगा, बाइक में पेट्रोल कम का पड़ेगा, कार में पेट्रोल ज्यादा का पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटिव यूजेस कि अगर एक रिसोर्स नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव हमारे पास है। तो ये था हमारा चैप्टर वन का छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने तीन टॉपिक कवर कर लिए। नंबर वन इज इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, स्कैर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल फर्दर कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर वन ऑफ क्लास 11। वीडियो के लास्ट में देखने के बाद, वीडियो को अच्छे से देखने के बाद उस पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाए।